हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। एक बार फिर से सुरों की महफिल हमने सजा ली है और एक बार फिर से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं आपको एंटरटेन करने की। लॉकडाउन में आप बोर ना हो इसका हम रखते हैं हरियाणा न्यूज पर जरूर ख्याल। और आज जो सितारा आपसे मिलवाने के लिए हम लेकर आए हैं, उस सितारे को आप जानते भी हैं, मानते भी हैं, बहुत मोहब्बत, बहुत इश्क आप सब उसकी कला से करते हैं, उससे करते हैं और उनको आप जानते हैं, उनके गानों पर थिरकते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उन गानों को आप एंजॉय करते रहते हैं हमेशा से ही। बहुत सालों से आप इस कलाकार को प्यार देते रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि आपको ये भी बता दें कि इनके गानों पर आप थिरकते रहे हैं, बहुत सालों से थिरकते रहे हैं। कुछ गाने सुनवा रहे हैं, सुनिए। मोनिका शर्मा का, मोनिका बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और लॉकडाउन में कैसा चल रहा है, कैसे टाइम पास हो रहा है? बस वही जाना बजाना और जो भी मेरी हॉबीज हैं, खेलना, बस कभी साथ कभी कभी खेल लेती हूँ और मम्मी के साथ कुकिंग करा देती हूँ, बस यही चल रहा है। थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ। अच्छा, कुकिंग कर लेती हैं आप? कोशिश करती हूँ, सीख रही हूँ। सीख रही हैं। क्या क्या बनाया है इधर रिसेंटली, कौन कौन से डिशेस? रिसेंटली मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए थे। अच्छा। और कोकोनट लड्डू ट्राई किए थे। और क्या क्या था? भांति भांति के लड्डू बना रही है, कोई खास बात? बस ट्राई करके देख रहे हैं। और घर में कौन कौन है आपके? मम्मी, पापा, दो भाई और मैं। ठीक है। तो अभी मम्मी पापा की हेल्प कर रही हैं, भाई के साथ झगड़ा वगड़ा होता है कि नहीं? पिलो फाइट में जीतती हैं या हार जाती हैं? बहुत होती है, बहुत, पिलो नहीं, हाथों से भी होती है। अच्छा। हाँ। और जीतता कौन है? जीतता वही जीतता है, बाकी थोड़ी बहुत एक्टिंग करके पापा को अपनी साइड कर लेती हूँ। ठीक है। आज शर्ट वैसे मैंने ब्लैक पहन रखी है। अरे, 12th तक आपने अपने गांव में ही पढ़ाई की? जी, गांव में पढ़ाई की, गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। देन मुझे लगा मैं उसे फेल हो गई थी, मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मैं फेल हो गई थी। अच्छा। लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई ये तो भूलेगा, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर भी मैंने कोशिश की। मतलब आप समझ गए कि ये आपके बस की चीज नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी, मेरे ऊपर से जा रही थी। देन दो साल के बाद फिर मैं फेल हो गई थी। फिर से फेल हो गई? फेल हो गई। वाह, क्या बात है। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में एग्जाम दिया और मैं सच बताऊंगी, मुझे उस दिन पता भी नहीं था कि एग्जाम किसका है, इतना बुरा हाल था। फिर मैंने छोड़ दिया, सिंगर को मैं ही हो रहा तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया बीए म्यूजिक में गुड़गांव। देन मैंने फर्स्ट ईयर में, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी 85% थी। नहीं, म्यूजिक में तो आपको अच्छे परसेंटेज आएंगे, ये सब हम यकीन कर सकते हैं। जी ठीक। अच्छा, बचपन में आप पिटती थी क्या? जी बिल्कुल, मेरे भाई से पीटा था, पिटती थी मैं, झगड़ा होता था कभी, साइकिल से झगड़ा होता था कभी। मेरे और मेरे छोटा भाई है, उसकी मेरी कभी नहीं बनती, कभी भी। एक
खाई हुई कभी जाके खाने नहीं, खाना नहीं खा सकते। और मम्मी पापा से पिटाई हुई कभी? मम्मी पापा से, पापा से तो नहीं हुई कभी, मम्मी से कभी एक कागजा थप्पड़ खा लिया तो। मतलब सिर्फ थप्पड़ से काम चल गया, बेलन और चप्पल और झाड़ू तक नहीं पहुंचा? नहीं झाड़ू तक नहीं पहुंची। भगवान के झाड़ू दिखे भी ना। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये 2016 में आपका एक गाना आया था सैड सॉन्ग चार साल वाला, और उस 2016 में आप गा रही हैं कि चार साल से अभी उसका पता नहीं है आपके बॉयफ्रेंड का, मतलब बचपन से ही ये रोग लगा लिया था क्या आपने? नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, आप वो गाना अगर आपको याद है वो गाना? जी बिल्कुल याद है, तो सुना दीजिए। नींद न आवे रातने के होगी बात तकरार की, नींद न आवे रातने के होगी बात तकरार की, हाल बीत गए चार सखी कोई खबर मिली ना यार की, हाल बीत गए चार सखी कोई खबर मिली ना यार की। इसने स्पेशली मेरे लिए लिखा था, तो जब मैंने गाया तो उसने बोला कि आपने जो चार साल है ना बहुत अच्छे से गाया, इसलिए ये मेरा थोड़ा फेवरेट भी सॉन्ग है। हाँ ये बहुत अच्छा सॉन्ग है और इसमें बहुत ठहराव, बहुत सुकून सा है इस गाने में। अच्छा मुझे एक सवाल आपसे पूछना, मुझे याद है जब आप हमारे प्रोग्राम में आई थी हरियाणा न्यूज के, तो उसमें आपको जब मैंने स्टेज पे इनवाइट किया था, आप और अंजलि दोनों थे, तो आप अपने गाने पे परफॉर्म भी कर रही थी, डांस भी कर रही थी, तो आपको गाना ज्यादा पसंद है या डांस करना? डांस भी पसंद है, गाना सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन डांस भी पसंद है, लेकिन बाद में वही थोड़ा थक जाते हैं, लेकिन मजा आप दोनों में आता है, मुझे परफॉर्म करना भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो अपने गानों में आप कभी सोचते हैं कि अपने गानों में जो जब मैंने थोड़ा ट्राई किया था उसके बाद वो जलेबी पता नहीं क्या ही बन गई, सीधी तो नहीं हो गई जलेबी, देखना पड़ा। जलेबी सीधी तो नहीं हो गई? हाँ। तो और ये जूड़े में जलेबी बनाने का आइडिया कहाँ से आया आप लोगों को? ये नवीन औरंगनगरिया जी ने ये लिखा था, जलेबी जूड़ा होता है जो नॉर्मल लड़कियां होती है वो खुले बाल होते हैं उसको लेके और पीछे ऐसे रफली ही बांध लेती है गोल करके, उसको जलेबी जूड़ा बोलते हैं। अच्छा, जो हर वुमन यूज करती है। तो ये जलेबी जूड़ा जरा सुना दीजिए, इसको इतना प्यार किया लोगों ने, इतना प्यार किया कि हर फंक्शन में कम से कम इसको एक बार बजना तो जरूरी है ऐसा लगता है। गुच्छी और अरमानी की ना छोरी इतनी लाड़ी, हाई हील के सैंडल ओढ़ी बैठू बांध के साड़ी, रेड रेड के लिप्स देख के ओ जांगे छोरे पहरे, जलेबी जोड़ा करके चलूंगी तेरी गैल रे, जलेबी जोड़ा करके चलूंगी तेरी गैल रे। वाह, अच्छा तो इस गाने की जब शूट आप लोगों ने रखी थी तो लंच रखा था या सिर्फ जलेबी से ही काम चला रहे थे? जलेबी आई थी। जलेबी आई थी जी। और सबसे ज्यादा किसने खाई थी? मुझे एक्चुअली ज्यादा मीठा खाना तो पसंद नहीं है, लेकिन मैंने खाई जरूर थी, और भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, कम से कम 30 के करीब जो हमारी टीम थी वो 30 बंदे के करीब थे, 30 लोग थे इसमें लड़कियां और लड़के, तो वो आई जलेबियां और चली गई जल्दी से। अच्छा अंजलि और आपके बहुत सारे गाने हैं, क्या ऑफ स्क्रीन भी आप लोगों की केमिस्ट्री उतनी ही अच्छी है? क्योंकि मुझे जहां तक याद है उस शो में जब आप दोनों साथ थे तो आपकी अच्छी बन रही थी, तो क्या ऑफ स्क्रीन भी आपकी दोस्ती अच्छी है? हाँ बिल्कुल, मेरी स्क्रीन पे ही मेरा एक्चुअली उनके साथ जो मैच होता है ना लक बोलते हैं जिसको, मेरा अंजलि का और अमित जसवाल, हम तीनों का लक बड़ा अच्छा है, जब हम तीनों मिलते हैं ना तो गाना ही जाता है। ये मैंने बहुत देखा, ये है तो पार्टी कौन देता है उसके बाद? पार्टी वो सब तो बिजी हो जाते हैं। अच्छा फिर मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है पार्टी वाला सीन, तो एक दो बार ही हुआ है वो
देते हैं, जब भी जिसका देना देना होता है तो देते हैं। ठीक है, 5 मिनट वाला भी आपका एक गाना है। आप बाल शायद सुखाने के लिए छत पे जाती हैं और जो आपका पड़ोसी है वो किताब लेकर आ जाता है छत पे, ये क्या चक्कर क्या है, ये आइडिया क्या आपका प्रैक्टिकल आप खुद का आइडिया था जिसको गाने में तब्दील कर दिया? देखिए, ये है तो बड़े बड़ी मजेदार चीजें। आजकल तो फोन हो गए तो वो ट्रेन तो रहा नहीं, ओह बाकी अगर ऐसा हो तो बड़ा मजा आ जाए। आसपास के लोग भी आपके सुन रहे होंगे, आप मौका दे रही हैं लोगों को। बिल्कुल, अगर कोई ऐसे है पृथ्वी जोड़े तो ठीक जरूर ट्राई करके देखें, हमेशा याद रहता है आपको। ठीक है, ये वो सुनाएंगे आप गाना 5 साल? कर लेंगे उसके बाद। अच्छा, एम क्या है आपका? मेरा एम बॉलीवुड प्ले सिंगर बनना, बहुत बड़े लेवल पे। बहुत बढ़िया, हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये जल्दी हो। अच्छा, अभी आपने बॉलीवुड का जिक्र किया तो आपने आपका एक कवर सॉन्ग भी आया है, तुम हो वजह, जी वो सुना दीजिए अगर। हो बगा मेरे जीने की, तुम हो बगा, तुम हो बगा। सॉरी। कोई बात नहीं, ये लाइव सेशन में अक्सर हो जाया करता है। कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि एग्जाम में गए और क्वेश्चन पेपर सामने आते ही आप, अरे ये पढ़ा तो था लेकिन क्या पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा है, ऐसा होता था आपके साथ कभी? जब मैं बीएससी कर रही थी उस टाइम तो होता था, लेकिन अभी नहीं होता, अभी मैं पूरी प्रिपरेशन करके जाती हूँ। ठीक है, मैं कभी भी पेपर खोल के पीछे वाले जो लास्ट क्वेश्चन होते हैं वो कभी नहीं देखती, मैं शुरू से शुरू करती हूँ और तब तक करती जाती हूँ लास्ट तक, 3 घंटे तक मैं पीछे देखती नहीं हूँ। देखते रहे, मतलब एक बार में देख के डरना नहीं है, जो आ रहा है वो करते जाओ। जी अच्छा ठीक है, अभी तो आपने कहा कि आपको टाइम है, लेकिन मेरा आला मलंग आपने पहले अपने सपनों का राजकुमार कैसा होगा वो पहले बना रखा है? जो भगवान देगा। आपका एक गाना है मेरा आला मलंग, उसमें जो है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि वो क्या करता है, शिव की पूजा करता है और ये सब, वो गाना याद है आपको? ठीक थोड़ा है, थोड़ा सा ही सुना दीजिए। जाने। हाँ बड़े रखे साथ की, ओ बड़े रखे साथ की, बस बस ज्यादा, कोई कोई देवना भड़क सारी कार बेरड़क, कोई देवजे भड़क सारी कार बेरड़क, देखिए ना छोटू कितने देखिए ना छोटू हद पार कर जा, हो गुस्से में तू बाढ़ भी ना देव पार के, तो प्यार से हमें से तू गोली भर जा, गुस्से में तो बाढ़ भी ना देव पार के, प्यार से हमें से तू गोली भर जा। बस बस ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, आपको इस लॉकडाउन में क्या ऐसा लग रहा है कि टाइम मिला है और अपने जो पुराने दोस्त हैं बचपन के दोस्त उनमें उनसे, क्योंकि सब बिजी हो जाते हैं तो कई बार छूट जाते हैं वो दोस्त, तो कोई ऐसा दोस्त मिला इस लॉकडाउन में जो पुराना, जिससे बातचीत छूट गई थी? एक है मेरी दोस्त दीपशिखा करके, वो मेरी बचपन की फ्रेंड तो नहीं है लेकिन कॉलेज में मिली थी, मैं बड़ा मिस करती हूँ उसको। अच्छा, तो बातचीत हुई कुछ इस लॉकडाउन में? नहीं अभी तक तो नहीं हुई, उसका नंबर वगैरह चेंज हो गया। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसके घर पे ही जाऊँ। नहीं, लॉकडाउन में तो बाहर निकलना थोड़ा रिस्की है। जी जब खुल जाएगा। आप लोगों ने लॉकडाउन के बीच में इस तरह का क्रिएटिविटी उसमें बहुत अच्छी दिख रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि ऐसा होता है क्या कि आपके फ्रेंड्स आपको, जब से आप सिंगर बन गई हैं तब से आपको अपने बर्थडे पार्टीज में, फंक्शंस में ज्यादा बुलाने लग गए हों कि चलो इसी बहाने कोई सिंगर भी आ जाए, और वहां पहुंच के फिर कह दें कि यार सुना दे कुछ? हाँ हुआ है, जब मैं जाती हूँ शादियों में तो मेरे गाने बजाते हैं। अच्छा, गाने बजाते हैं आप ही?
और मुझसे सुनते भी हैं मेरे रिश्तेदार, जो पहले नहीं भी बोलते थे वो अब ज्यादा चाहने लगे हैं कि भाई ये हमारा बच्चा हमारा बच्चा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप गए हों शादी में और आपको कह दिया हो कि पुराने लोकगीत कोई शादी ब्याह वाले सुना आ जा, तू सिंगर तो है ये गा ले, ऐसा होता है क्या? ऐसा एक बार हुआ था, मेरी मामी जी कह रही थी, वो आपको याद है कोई? है मेरी पतली कमर वाला, वो भी वो आता है देख जो आता है वो सुना दीजिए जरा। पुराने। मेरी पतली कमर लड़ा जुबेदार ले, मेरी पतली कमर लड़ा जुबेदार ले, जुबेदार ले, हाँ जुबेदार लियो, मेरी पतली कमर नड़ा जुबेदार लियो। वाह, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके गाने हैं। अभी हमने देखा आप ऑनलाइन हिमाचली सॉन्ग भी गा रही थी, एक ट्राई कर रही थी, हाँ जी, ये शौक वो कैसे चढ़ हिमाचली गया? सॉन्ग। एक्चुअली मैं म्यूजिक से पढ़ाई कर रही हूँ ना, तो वहाँ पे पंजाबी सॉन्ग भी याद गाने होते हैं, प्रैक्टिस करना होता है। तो ऐसा नहीं कि हरियाणवी हरियाणवी बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणवी गाती हूँ। उसके साथ साथ सभी भारत के जो लोकगीत वगैरह है, लोक प्रचलित गाने, बहुत प्रचलित गाना है, तो बस ऐसे ही सुना और फिर मैं गाने लगी उसको। हाँ, मैंने देखा अपने फैंस के लिए वो गाया है, वो याद है अगर आपको तो सुना दीजिए। जी, माँ मेरी तुमने संभाल कितनी, माँ मेरी तुमने संभाल कितनी, क्या बात है, बहुत सुरीला। अच्छा, एक फिल्टर करके गाना आया था 2016 में, बहुत पुराना गाना, आपको याद है वो? कौन सा फिल्टर? फिल्टर करके, फिल्टर। जी इतना फिल्टर फिल्टर कहकर मैं बदनाम करूं मर जाने, इतना फिल्टर फिल्टर कहकर मैं बदनाम करूं मर जाने। तो ये फिल्टर कहां से, क्या शब्द, कैसे, क्या था ये, कहानी क्या थी इसके पीछे? जी जो मेवात साइड है ना, पलवल साइड, हाँ, तो वहां का एक सिंगर है, सीनियर सिंगर, भाथाई में लकीर बन जा रे तू मेरे, भाथाई में लकीर बन वाह, जा, जो मेरा काफी करीबी वाला गाना है, करीबी जंगल। आपके एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि आप खो रही थी गाने में। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त लॉकडाउन है, आपके फैंस के लिए आपका मैसेज क्या है? मेरे फ्रेंड्स का मैसेज वो बोल रहे हैं कि भाई आप गाना दीजिए हमें नहीं, और फैंस के गाने लिए आपका दीजिए। मैसेज क्या है, आप अपने फैंस अच्छा, को क्या फैंस मैसेज? के लिए हाँ, मैं उन सबसे बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, और आपकी जो भी हॉबीज हैं, आप अगर बच्चों के साथ के टाइम बिताना चाहते थे जो लोग जॉब बिजी थे, हाँ, तो अभी आपके पास टाइम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पेंटिंग कीजिए, मेकअप मतलब जो कीजिए। जो भी आपका शौक है वो पूरा कर लीजिए। मोनिका, जी बहुत बिल्कुल शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके फैंस को भी पसंद आया होगा। चलिए, सुरों की महफिल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। छोड़ी तू तो चल, चल।